तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। क्रिप्टो फैमिली के साथ मिलकर काफ़ी बढ़िया अर्निंग प्रॉफिट बना रहे होंगे। तो दोस्तों आजकल भाई दो ही कॉइन छाया हुआ है, एक तरफ अगर देखें तो बेबी डॉज कॉइन, एक तरफ देखें तो लवली इनू। बाकी अदर जो कॉइन्स है उसकी तो मैं अपडेट यार दूसरे चैनल पर देता ही रहता हूँ, तो मेक श्योर आप हमारा दूसरा चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके शेयर करो, ताकि कल जो धमाकेदार अनाउंसमेंट होने वाली है लवली इनू की उसकी न्यूज़ भी पहुँच जाओ। हम तो भैया अपडेट आप सभी को हमेशा देते रहते हैं, आप सभी को हमेशा अपडेटेड रखते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, आज भी काफी सारे मेजर न्यूज और अपडेट्स हैं। और दोस्तों एक चीज और मुझे बताना यार कि आप सब कौन कौन से क्वाइन का रिव्यू देखना चाहते हो या अपडेट देखना चाहते हो अपने इस चैनल पे क्रेजी क्रिप्टो फैमिली के ऊपर, मेक श्योर बताना यार। बिना देरी करते हुए सीधा चलते हैं लवली इनू के कुछ अपडेट्स की तरफ। जहां दोस्तों तो आज जो बिगेस्ट एक्सचेंज लिस्टिंग की जो अनाउंसमेंट ऑलरेडी आ चुकी है, जहां अगर मैं बात करूं तो कल के डेट में जो है ना, सबसे देखो यार लिस्टिंग तो कोई बड़ी नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन यार सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कल के डेट में ना, कल 17 अगस्त है और कल होने वाला है पहला बायबैक। और आई थिंक मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कल अगर ये कुछ बड़ा धमाका कर देता है तो मुझे लगता है जो ये गिरावट देखने को मिल रहा है वो आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और ये डिपेंड करता है पहले इंप्रेशन पे। क्योंकि लास्ट में इन्होंने 10 एक्सचेंज की लिस्टिंग की बात कही थी तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हुए थे, काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी आया था, लेकिन पहला ही बी बॉक्स पे लिस्टिंग की अनाउंसमेंट करके जितना भी किया कराया था सभी के ऊपर पानी फेर दिया। हालांकि देखो होबी ग्लोबल की भी लिस्टिंग आई, गेट डॉट आईओ की भी आए, लेकिन यही अगर होबी ग्लोबल की पहले दिन आ जाती या गेट डॉट आईओ की पहले दिन आ जाती तो थोड़ा सा उसका जो है ना हाइप ज्यादा बनता है ना। लेकिन दोस्तों देख रहे थे वो तो खैर गया। अब जो है 17 तारीख को यहाँ बायबैक है और 18 को यहाँ पर लिस्टिंग है। हालांकि एक्सचेंज तो अनाउंसमेंट कर दिए, कौन सा एक्सचेंज है वो आगे दिखाने वाला हूँ, कोई ज्यादा मेजर नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। और लेकिन दोस्तों 6 अक्टूबर को जो है ना ये यहाँ पर टाइटेनियम एक्सक्लूसिव है, और देखते हैं भैया वो टाइटेनियम एक्सक्लूसिव में कौन सा एक्सचेंज है। लेकिन मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि भैया प्रॉफिट को अपना बुक करते रहना, यहाँ पर दोस्ती मत करना। जहाँ दोस्तों क्वाइन स्ट्रो, जी हाँ दोस्तों आप देखते हो भैया coinstore.com यहाँ पर जो एक्सचेंज है उन्होंने यहाँ पर कमिंग सून लिखा है लिस्टिंग के बारे में, हालांकि डेट नहीं दिया है, लेकिन हम सबको पता है लग रहा है यार पहला जो है एक्सचेंज यही होने वाला है जो कि लवली इनू फाइनेंस को लिस्ट करेगा। कोई ज़्यादा पर फ्लोर से नहीं है, 65,600 है, सिंगापुर बेस्ड ये जो है आई थिंक एक्सचेंज है। तो देख लेते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन भैया आगे आगे अभी देखते हैं क्या सब होता है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं पूरे 5 एक्सचेंज की लिस्टिंग है और 5 यहाँ पर बायबैक है। मेरी नज़र लिस्टिंग से ज़्यादा जो है ना दोस्तों बायबैक के ऊपर है। अगर यहां पर बड़े ज्यादा क्वाइंस के साथ अगर बायबैक होता है तो फिर यहां पर जो है ना ग्रोथ होने का चांस रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट जो है ना इस बायबैक से ही पड़ने वाला है। जी हां दोस्तों, अगर कल के डेट में अच्छी खासी बायबैक हुई तो दोस्तों कल आपको अच्छा खासा पंप भी देखने को मिलेगा, परसों भी देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, तो देख लेना अपना प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करते रहना डेट के हिसाब से। बाकी तो मैं डेली बेसिस पे बताऊंगा मेरा टारगेट कहां पर है बाय करने का और कहां पर सेल करने का। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों इस चैनल को तो बिल्कुल लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जोड़िए फॉलो करना, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ के साथ हमारे दूसरे चैनल क्रिप्टो इनकम को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जहां तो वहां पर भी लेटेस्ट अपडेट और जितने भी क्वाइंस हैं ना सभी के बारे में न्यूज अपडेट रूमर सब आती रहती है, और एक्सप्लेनेशन भी तो मैं करता हूं यार नए नए क्वाइंस का, पुराने क्वाइंस का। तो मेक श्योर वो भी चैनल को जाकर जरूर देखना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट में किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, क्रिप्टो फैमिली के साथ प्रॉफिट बनाते रहे। जय हिंद।